अखरोट अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वो गया ना। आज मैं बेसन की सब्जी बना रही हूँ, तो ये चीला वाली सब्जी, एक अभी चीला बन रहा है, दूसरा वाला चीला फोल्ड करके इधर दूसरी साइड में रखी हूँ। और ये छोले कल मॉर्निंग के लिए भिगोई हूँ, तो रात में मैं इसको बॉईल करके रख दूंगी। हालांकि सो मसाला के साथ बनाते हैं इसको। यहाँ पे अखरोट को मैंने ना निकाल के रखा, बंद था ना तो मुझे ऐसा लगा खराब हो गया, तो धूप में रखी थी। बाकी यहाँ पे निकाली हूँ सरसों, इसको भी मुझे ग्राइंड करके रखना है, बाकी थोड़ा सा जो इस टाइम पे पीसना है ना उसको मैं पीस लूंगी। तो अभी ना ये बेड खोले, तो इसमें से मुझे उलन कपड़े निकालने थे। कुछ कपड़े मैं दो दिन पहले बेड खोली थी, ये थे नहीं, ऑफिस गए हुए थे, तो उस टाइम पे मैंने निकाले थे। जो मैंने अभी पहने भी हैं, दो चार और हैं, बाकी सारे निकल नहीं पाए थे क्योंकि जगह बनानी थी मुझे। अभी बैग वगैरह भी मैंने खाली किया नहीं था, तो बस यहाँ पे मेरे ये वाला जो थैला है ना, इसमें सारे मेरे जो डेली यूज़ वाले जो उलन कपड़े हैं ये हैं। तो ये अभी तो ऊपर में ही था, ऐसा नहीं, ये तो उसको मैंने निकाल लिया। बाकी बाहर जाने वाले सब सारे जो स्वेटर है, जैकेट्स वगैरह है, वो सारे ब्रीफ केस में है जो कि बेड में है। और ये कुर्ती है ग्रीन कलर की मेरी, तो मैंने बोला ना कि इसको मैं किसी को दे दूंगी। ये बोलते हैं कि जो अच्छा लगता है ना तो वो बस फटाक से दे देती है, किसी को पहनना वहना है नहीं, एक से दो बार पहनी होगी। अरे चलो ठीक है, फिर मैं गुस्से में बोली चलो ठीक है मैं पहन लूँगी चार पाँच दिन और उसके बाद मैं उसको हटाऊँगी। और जो बोलते हैं ना, जो मुझे पसंद आता है वो तुझे ख़राब लगता है, और जो तुझे अच्छा नहीं लगता है वो मुझे ख़राब लगता है, ऐसा रहता है। मतलब नापसंद इस मामले में ना ऐसे ही हमारी नोकझोंक होती रहती है। तो बस यहाँ पे ना जीन्स वगैरह थे जो स्पर्श के थे, कमर उसका आता नहीं है, बाकी तो साइज़ तो बड़ा ही है लेकिन कमर नहीं आता है उसको। तो वो मैं बोली कि आप रहने दो, जो अभी है उसके पास ऊपर बस वही पहनेगा, उससे ज़्यादा नहीं पहनेगा। एंड स्वेटर वगैरह देख सकते हैं, दो से तीन मैंने भी उस साइड रखा है। और ये शर्ट था, ये भी मैं बोली स्पर्श में आएगा ही नहीं, काफ़ी अच्छे अच्छे उसके कपड़े हैं, आते नहीं है, तो मैंने ऐसे ही बेड में डाल दी हूँ। उसके बाद यहाँ मैं स्टूल लगाई और आराम से जितने भी कपड़े थे मेरे वो मैं निकालते जा रही हूँ। ये वाला मुझे बड़ा पसंद है, ये बोलते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, यही सारी चीज़ें ना चलती रहती है। एंड ये ब्रिफ के जो रेड वाला देख रहे हैं ना, ये मेरी शादी का है, मतलब चढ़ावे पे जो ससुराल से जाता है ना, तो ये यहीं पे ला के रख दी हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ से मैं हटाऊँ इसको ताकि ये थोड़ा स्पेस मुझे बेड में मिल सके, लेकिन इसमें कपड़े बहुत आ जाते हैं, तो ये सारे मेरे जो कपड़े निक करके निकाल के ये देते जा रहे थे। क्योंकि मैं बोली ना कि आप ही खोलो, हर बार मैं ही खोलती हूँ, तो ये सारे स्वेटर हैं मेरे एक एक करके निकाल रहे हैं। बाकी जो जैकेट्स वगैरह थे मैं बोली कि आप रहने दो, ये कैप का बोल रही है, ये कौन सा कैप है, कलर तो देखो, ये लगा के खुद देख रहे थे। मैं बोली अच्छे लग रहे हो आप, तो यही सारे देख सकते हैं कपड़ों की ढेर निकल रही है। मतलब सर्दियों में कपड़े तो इतने हो जाते हैं ना कि पूछो नहीं, और अब तो बस सारे कपड़े निकालने का टाइम आ गया है। लेकिन ये सारे तो मैं निकाली, लेकिन जो जैकेट था ना मेरे मोटे मोटे जो जैकेट है बहुत ज़्यादा सर्दियों में पहनने वाले, वो मैंने नहीं निकाले। ये बोल रहे हैं कि अभी रहने दे, अभी उतनी ना ठंड मतलब दिसंबर वगैरह में पड़ेगी, तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकाल दूंगा बाद में। तो ये शॉल था, बोल रहे हैं कि इतने कपड़े पता नहीं कहाँ से लेके आई है। और ये स्टॉल था, ये बड़ा सुंदर है, इन्होंने ही दिलाया था मुझे मेम साहब से, बट उसको मैं ना एक बार ही मैं बाहर डाल के गई हूँ, उसके बाद कभी मैं गई नहीं हूँ। ये बोल रहे हैं ये किस काम के आएगा, बस खरीदना है तुझे कपड़े, पहनना नया नहीं, एक से दो बार बस पहनती है। तो देख सकते हैं मेरे मतलब आगे ना पैरों पर बस कपड़े की ढेर लगी हुई है, सारे उलन कपड़े। और ये जैकेट्स अभी मैंने छोड़ दी, इसमें लहंगे हैं मेरे, साड़ी भी है, दो चार मतलब नए नए हैं, ये मैं अभी पहने ही नहीं हूँ, सारे नए नए। और मेरे जैकेट्स हैं जो वाइट है, मेरे पास एक जैकेट है रेड जैकेट है, और एक तो मैंने और लिया था लास्ट टाइम, मतलब जो लॉन्ग लॉन्ग है ना ज़्यादा सर्दियों में पहनते वही है। तो ये सारे कपड़े ले जाके उस रूम में रख दिए, और ये कुछ गर्मियों वाले मेरे कपड़े थे जो शॉर्ट्स वगैरह थे वो सब ला के इस ब्रीफ केस में डाल दिया है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमारी जो आज काम बहुत टाइम से पेंडिंग था वो हुआ, बाकी ये भी था गर्मियों वाले ही, तो इसको भी मैंने इसी में डाल दे रही हूँ। एंड थैला वगैरह है तो उसको मैं भी ले जाके उस रूम में रखूँगी, क्योंकि इस रूम में हम कपड़े वगैरह नहीं रखते हैं, दूसरे वाला रूम है ना उसी में हमारे ज़्यादा कपड़े रहते हैं। इसमें हमारा बस बेड है, ड्रेसिंग है, और बेड के साथ ड्रेसिंग रहता है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। हाय गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद ऐसे कैमरे के सामने आके आज यहाँ किचन से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, जो कि है मेरा फेवरेट प्लेस, और ज़्यादातर टाइम मेरा गुजरता है किचन में ही। मिल्क तो मैं गरम कर दी थी स्पर्श के लिए, बट अभी उसको निकालना है क्योंकि वो सो के अभी उठा है, और मैं नहा धो ली हूँ, और बाकी सारे काम मेरे हो चुके हैं अभी इस टाइम पे। तो
तो ब्रेकफास्ट मतलब काम नहाने के बाद का जो काम होता है वो सब अब स्टार्ट हो गया। जैसे ब्रेकफास्ट करना है, स्पर्श को क्या खाना है, उसकी पढ़ाई करवाना, बेडरूम वगैरह ठीक करना, ये सब ऑलमोस्ट मैं स्पर्श के उठने के बाद ही करती हूँ। तो भी मैं निकाल दे रही हूँ बाबू के लिए मिल्क और खुद के लिए भी निकालूंगी। सोच रही हूँ ना, मन करता है लेकिन सुबह सुबह मुझे ना मिल्क पीने का मतलब शाम को मुझे सही लगता है। मॉर्निंग टाइम में पहले बहुत ज्यादा पीती थी मिल्क, बट अभी कम हो गया है मेरा मॉर्निंग टाइम मिल्क पी। और ये देखिए मलाई कितनी ज्यादा हो गई है, ये देख रहे ना, ये पूरी मोटी सी लेयर जम गई है मलाई इसकी, पूरी उतार लेती हूँ नहीं तो फिर इसमें पूरा मिल जाएगा, ये मिक्स हो जाता है फिर निकल नहीं पाता है। और दूसरा वाला जो पतीला आप लोग देख रहे हैं ना, इस वाले में भी मलाई है, तो ये इसका तो मैंने निकाल लिया। दूसरे वाले में भी पूरी जमी हुई है, उसका भी मैंने नहीं निकाली थी। एक्चुअली ना मुझे मलाई निकालने में ना आलस आती है, पता नहीं क्यों। एंड ये वाला जो मिल्क है ये थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। क्या है बाबू? अभी इनका फोन आ गया तो ऑफिस से, तो इनसे ही मैं बात कर रही थी। और एक्चुअली सुबह गया ना तो मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसीलिए तबीयत का हालचाल पूछने के लिए अभी ये फोन किए थे। देखिए थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है और अभी सर्दी आ गई है ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो खैर यहाँ का लाइट ही और नहीं है, जो भी अभी लाइट आपको दिख रही है बाहर से कर्टेन के बाहर से आ रही है, मतलब कहीं से भी कुछ भी ओपन नहीं दिखे, पूरा कर्टेन लगा हुआ है, लाइट ऑफ है फिर भी इतनी लाइट है। तो चलिए लाइट तो ऑन कर देती हूँ अभी मैं। और अभी पता है क्या करने वाली हूँ मैं, ये वाला जो सोफा है ना सर्दियों में मैं इस साइड कर देती हूँ ताकि इस साइड से अच्छी सी धूप आए, और इधर जब सोफा रहता है तो आराम से हम इधर बैठते हैं और दोपहर तक 11, 11:30, 12 बजे तक अच्छी खासी सोफे पे धूप रहती है। तो कफ आया, जाओ तू कर लो। और ये कल रात में शाम या रात में कुछ ये सामान लेके आए थे, ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी, मैं नहीं गई, ये लेके आए। तो जो जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो लेके आए हैं। तो यहाँ पे बिस्किट है, पापड़ है और कंफर्ट है, सर्फ है, साबुन है, यही सारी चीज़ें हैं। बिस्किट के ढेर सारे ये पैकेट लेके आए हैं, छोटे छोटे वाले। मैगी है, नमक है, चने हैं और क्या बेसन है और नमकीन है, और एक मेरा फेवरेट नमकीन है हल्दीराम का, बड़ा मुझे टेस्टी लगता है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी मुझे ज़्यादा इस टाइम पे दिखाई नहीं दे रहा है, जो जो चीज़ें हैं वो मैंने बता दिया। ये तीन वो है, हार्पिक है, एंड ये सारी चीज़ें ना मैं अभी अरेंज कर दूँगी। ये हो गया था रात का टाइम और मैंने इनको बोला ना कि लहसुन लगाते हैं, क्योंकि अरबी का जो पत्ता वाला हम घर गए थे तो सूख गया है, तो वो धीरे धीरे वो आ जाएंगे सारे पत्ते, लेकिन साइड साइड में अभी, क्योंकि सर्दियों में जो अरबी के पत्ते होते हैं ना उसका ग्रोथ नहीं होता है, तो वो बीच में होता रहेगा, साइड साइड में हम लगा देते हैं, हम खाएंगे नहीं लेकिन देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी ये लगा रहे थे, मैं बोली कि मैं खाना बना रही हूँ उसी बीच में आप लगा देना। तो यहाँ पे ये लगा रहे हैं चारों तरफ, देखिए, और इस वाले पॉट में काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आएगा ना जब लहसुन तब आप लोगों को फिर दिखाऊंगी। हालांकि इस टाइम पे हमारा पॉट वगैरह बड़ा ही मतलब सारे प्लांट सूखे सूखे से हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाएगा, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो अभी हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। तो आज खाने में है ये मटर आलू की सब्ज़ी, रोटी है, दाल है और एक पनीर की सब्ज़ी है।
तो ये सारी सब्जी है और ये ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। और आज मेरी तबीयत ख़राब थी तो इन्होंने ही खाना बनाया था और स्पर्श यहाँ पे बैठ के खा रहा है। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, मतलब 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। वहाँ आया हुआ है एक पार्सल, स्पर्श देखिए कैसे बैठा हुआ है। और मैंने बोला था ना कि ये वाला सोफ़ा इधर करना है, तो मैंने स्पर्श से बोला कि स्पर्श आप कर दो, क्योंकि आप तो इधर उधर करने में आगे रहते हो, कभी सोफ़ा को इधर करते हो उधर करते हो, तो आज स्पर्श ही ठीक करेगा जैसे मामा कर रही है वैसे अरेंज करेगा। तो बस यहाँ पे स्पर्श सारे सोफे को ना, मतलब बड़ा वाला जो सोफ़ा है उसको खींच के इधर ले जा रहा है। मैं उसको बता रही थी कि स्पर्श ऐसे खींचते हैं, तो वो खींच रहा था, देखिए किस तरीके से मेरा बेटा बड़ा हो गया और बहुत सारी चीज़ें अभी कर देता है। तो अब इसको ना जहाँ पे बैग, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट साइड मुझे इसको लगाना है, और दोनों जो सिंगल सिंगल वाला है उसको मैं मतलब दूसरे साइड में कर दूँगी, बाकी जो विंडो वाला एरिया था उसको मैं खाली कर दूँगी। वहाँ से विंडो कर्टन वगैरह हटाना सही रहता है और वहाँ नीचे भी छा के भी बैठ सकते हैं, धूप में सो भी सकते हैं। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, कॉमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को अच्छी लगे तो। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।